अब आइए, ये जो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि क्वाइल को यूनिफॉर्म फील्ड में डालेंगे तो उस पे लगेगा टॉर्क, तो इस फैक्ट का उपयोग करके हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं। उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का मुख्य काम है करंट को ढूंढना। तो ढूंढेगा तो थोड़ा उसको मेजर भी करेगा, लेकिन मेन उसका फंक्शन है कि कहीं किसी तार में अगर करंट बह रहा है कि नहीं बह रहा है, इसका अगर पता लगाना हो तो हम लोग उसके लिए गैल्वेनोमीटर नामक इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करते हैं। इस गैल्वेनोमीटर की खासियत क्या है कि अगर करंट इससे बहा तो इसके अंदर एक पॉइंटर होता है, वो ऐसे डिफ्लेक्ट कर जाएगा, और करंट अगर नहीं बहा तो पॉइंटर अपनी जगह पे रहेगा। तो क्या इसके पीछे का साइंस है, क्या इसका कंस्ट्रक्शन है और कैसे ये काम करता है, तो अभी हम लोग उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो इसके अंदर गैल्वेनोमीटर के अंदर क्या होता है, एक परमानेंट मैग्नेट होता है। परमानेंट मैग्नेट जनरली जो है वो हम लोग बनाते हैं हॉर्स शू मैग्नेट लाइक दिस। हॉर्स शू इसलिए बोलते हैं कि वो दिखने में घोड़े के नाल के जैसा लगता है, ऐसा होता है, यानी इस तरह से वो आपको मैग्नेट दिखाई पड़ेगा इस प्रकार से, ऐसा। ये इधर इसका नॉर्थ पोल और इधर इसका ये साउथ पोल, ऐसे ये मैग्नेट हमारा रहता है। तो जनरली बुक में ऊपर वाला पार्ट का डायग्राम नहीं दिखाया जाता है, बोल दिया जाता है कि ये आपका एक हॉर्स शू मैग्नेट है एंड लाइक दिस, ये हमारा हॉर्स शू मैग्नेट। अब इस मैग्नेट को हम लोग करते क्या है कि इसका जो पोल है, इसके पोल को हम लोग सिलिंड्रिकल आकार में शेप देते हैं, ये ऐसा शेप देते हैं इस तरीके से, जानबूझ करके इसको ऐसा हम लोग शेप बनाते हैं ताकि यहां जो मैग्नेटिक फील्ड हो वो रेडियल हो। रेडियल का मतलब ये देखो, सामने से दिखने में लगभग लग रहा है आपको सर्किल के जैसा, तो सर्किल के जैसा ऐसा दिखने में लग रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो किधर की ओर, टुवार्ड्स द सेंटर। तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग बोलते हैं रेडियल फील्ड। तो जानबूझ करके हम लोग क्या करते हैं कि उसको सिलिंड्रिकल शेप में काटते हैं, और सिलिंड्रिकल शेप में काट के और साथ ही साथ यहां सेंटर पे क्या करते हैं कि एक आयरन, सॉफ्ट आयरन का एक छोटा सा कोर यहां पे रख देते हैं, ये सॉफ्ट आयरन। और ऐसा कर देने से क्या हो जाता है कि ऐसा फील्ड बन जाता है, सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस आयरन की तरफ आने लगते हैं, तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो रेडियल हो जाता है, ऐसा रेडियल फील्ड हो जाता है। और इस रेडियल फील्ड में हम लोग लटका देते हैं एक क्वाइल, ये क्वाइल आपका दिख रहा है, ये क्वाइल ठीक उसी तरह से दिख रहा है जैसे पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, या थोड़ा और बड़ा डायग्राम बना देते हैं तो और ज्यादा आपका बेटर हो जाएगा। क्वाइल जो है, क्वाइल आपका ये इस तरीके से दिख रहा है ऐसे, तो ये ठीक वही हमारा टेक्नोलॉजी है, पी क्यू अंदर फिर आर एस लाइक दिस, इस तरीके से ऐसा हमारा पी क्यू आर एस दिख रहा है। यहां बीच में हमारा आयरन कोर है, सॉफ्ट आयरन का ये कोर है, इसी पे हम लोग उसको टांग देते हैं। और इस साइड में हमारा मैग्नेट है एक पोल, थोड़ा बड़ा डायग्राम बना दिया, इस साइड में हमारा मैग्नेट है दूसरा पोल, थोड़ा बड़ा एक इसका भी डायग्राम हम लोगों ने बना दिया, ये आ गया हमारा सेकेंड। हमने आपको कहा क्या कि मैग्नेटिक फील्ड रेडियल है, यानी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है बी, क्वाइल इस प्रकार से है। तो मैग्नेटिक फील्ड रेडियल बनाने का फायदा क्या है कि ये क्वाइल के प्लेन में रहेगा, यानी जिस क्वाइल को हमने लटकाया है उसका प्लेन का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो इस क्वाइल पे जो अगर आप परपेंडिकुलर डालोगे, नॉर्मल वेक्टर डालोगे एन कैप, तो एन कैप तो क्वाइल से 90 डिग्री का कोण बनाएगा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 90 डिग्री का, यानी एन कैप और बी के बीच का एंगल होगा 90 डिग्री, और मैग्नेटिक फील्ड होगा क्वाइल के प्लेन में। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात हमने आपको बताई है, और ये हमारे कंस्ट्रक्शन का बहुत बड़ा खूबी है, और इसी खूबी पे हमारा गैल्वेनोमीटर काम करता है। कि गैल्वेनोमीटर बनाने के लिए हम लोग एक हॉर्स शू मैग्नेट लेते हैं, परमानेंट मैग्नेट, उसके पोल को हम लोग सिलिंड्रिकल आकार में कट करते हैं, सेंटर पे एक सॉफ्ट आयरन का कोर रखते हैं,
इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड रेडियल हो जाता है, रेडियस की दिशा में हो जाता है। एक क्वाइल को हम लोग वहां पे टांग देते हैं, तो अगर वो क्वाइल उसमें चला गया तो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड क्वाइल के प्लेन की दिशा में होगा और क्वाइल का जो नॉर्मल है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। अब इसका परिणाम क्या होगा कि इस क्वाइल पे में अगर करंट बहना शुरू हो तो क्वाइल पे अगर जो टॉर्क लगेगा उस टॉर्क का वैल्यू होगा एमबी साइन 90 डिग्री, क्योंकि एंगल एन वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल आ गया 90 डिग्री। एम का वैल्यू होगा एन आई ए बी और साइन 90 डिग्री 1, यानी टॉर्क का वैल्यू हो जाएगा एन आई ए बी। उस क्वाइल पे मैग्नेटिक फील्ड इतना टॉर्क लगाएगा। टांगने के लिए, क्वाइल को लटकाने के लिए हम लोग मदद लेते हैं फॉस्फर ब्रॉन्ज नामक एक मटेरियल के तार का। फॉस्फर ब्रॉन्ज एक खास तरह का मटेरियल है और उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं, तो उस तार का हम लोग क्या करते हैं कि इसको क्वाइल को टांगने के लिए उपयोग करते हैं। अब देखिए, एक उदाहरण के लिए मान लीजिए कि मैं इस, ये हमारा पेन है और इस पेन को टांगने के लिए हम क्या करें कि ये तार का हम उपयोग कर रहे हैं लाइक दिस, ऐसे इसको हमने टांग दिया, तो क्वाइल इसी तरह से टंगा हुआ है और मैग्नेट ने लगाया इस पे टॉर्क, तो मैग्नेट ने लगाया इस पे टॉर्क, तो ये क्या करेगा कि ये इसको घुमाएगा, रोटेट करेगा, क्वाइल हमारा इस फील्ड में रोटेट होना शुरू हो जाएगा। और क्वाइल अगर हमारा रोटेट होना शुरू होगा तो हमारा जो ये तार है, ये तार हमारा अमेठाने लगेगा, ट्विस्ट होने लगेगा, और अगर तार हमारा ट्विस्ट होने लगेगा तो ये छोड़ने पे ये वापस अपनी दिशा में आना चाहेगा। देखिए, अगर हमने इसको छोड़ा तो ये वापस अपनी दिशा में आना चाहेगा, तो तार जो है वो उल्टा टॉर्क लगाता है। मैग्नेटिक फील्ड जिधर भी इसको रोटेट कराना चाहेगा, तार चाहेगा इसको उल्टी दिशा में उसको रोटेट कराए। देखिए, अगर इसको अगर इस तरह से हम रोटेट करा दें और रोटेट करने के बाद छोड़ दें तो ये वापस आएगा। तार को अगर हम रोटेट करा दें और रोटेट करने के बाद हम इसको छोड़ दें तो ये देखिए पेन उछल के वापस आ गया। यानी तार का काम क्या होता है कि उल्टी दिशा में फोर्स लगाना, मैग्नेटिक फील्ड इसको चाहेगा घुमाना और तार चाहेगा कि वो घूमे नहीं, ये उल्टी दिशा में घूमे, अपोजिट डायरेक्शन में घूमे। उस टॉर्क को हम लोग रीस्टोरिंग टॉर्क कहते हैं। रीस्टोरिंग का मतलब कि वापस लाने वाला, रीस्टोर शब्द का मतलब है वापस लाने वाला, इसको हम लोग बोलते हैं रीस्टोरिंग टॉर्क। और इसका वैल्यू होता है टाउ इज इक्वल टू सी थीटा। थीटा का मतलब कि तार हमारा कितने एंगल से घूमा, रोटेट कितने एंगल से हुआ, तो जितने एंगल से ये रोटेट होगा उतना ज्यादा रीस्टोरिंग टॉर्क होगा। थीटा बढ़ता जाएगा, टॉर्क बढ़ता जाएगा, यानी जैसे जैसे वो रोटेट होता जाएगा वैसे वैसे टॉर्क का वैल्यू बढ़ता जाएगा, वापस लाने वाला टॉर्क जो है वो बढ़ता जाएगा। तो कभी ना कभी ऐसा होगा कि वापस लाने वाला टॉर्क इस मैग्नेटिक टॉर्क के बराबर हो जाएगा, और जब वापस लाने वाला टॉर्क मैग्नेटिक टॉर्क के बराबर हो जाएगा, दोनों टॉर्क इक्वल और अपोजिट हो जाएंगे, क्वाइल वहीं पे जाके रुक जाएगा, क्योंकि अब हो गया इक्विलिब्रियम। अब एक चाह रहा है इधर घुमाना, एक चाह रहा है इधर घुमाना, अब दोनों अपना अपना ताकत लगाएंगे और चूंकि दोनों की ताकत हो गई सेम, तो अब वहां इक्विलिब्रियम बन जाएगा, वहां पे क्वाइल जाके रुक जाएगा। तो क्वाइल के इस रोटेशन को देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि क्वाइल के ऊपर एक सुई लगा देते हैं, तो जैसे जैसे ये क्वाइल घूमेगा वैसे वैसे ये सुई घूमेगा। जैसे कहने का मतलब कि हमने अपने हाथ के अंदर इस पेन को फंसा लिया ऐसे, तो अब जैसे जैसे मेरा हाथ घूमेगा वैसे वैसे पेन घूमेगा, क्योंकि ये फंसा हुआ, तो जिस प्रकार से मेरा हाथ घूमता जाएगा उस प्रकार से पेन हमारा घूमता जाएगा। तो क्वाइल के ऊपर एक लंबा सुई लगा देते हैं और इस सुई को हम लोग क्या करते हैं कि यहां पे एक स्केल पे डाल देते हैं। तो ये सुई मान लो यहां से घूम के यहां आ गया तो पता चल गया कि क्वाइल कितना से घूमा, ये एंगल थीटा हमारा मेजर हो जाएगा। तो इस सुई को हम लोग कहते हैं पॉइंटर, इस सुई का नाम हो गया पॉइंटर।
तो अब हमारा इसका डिस्क्रिप्शन हो गया कंप्लीट, कि गैल्वेनोमीटर का कंप्लीट टोटल का टोटल डिस्क्रिप्शन सारी बात हमने इसमें आपकी आपको बता दी। हॉर्सो मैग्नेट है, पोल में सिलिंड्रिकल कटिंग है, सेंटर पे सॉफ्ट आयरन का कोर है ताकि मैग्नेटिक फील्ड रेडियल हो, क्वाइल लटकाया जाता है, क्वाइल का प्लेन मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में होता है, क्वाइल पे जो नॉर्मल होता है वो मैग्नेटिक फील्ड से 90 डिग्री का एंगल बनाता है, करंट जब क्वाइल में बहता है तो टॉर्क लगता है, टॉर्क एमबी साइन 90 डिग्री यानी एनआईएबी के बराबर होता है, यह टॉर्क क्वाइल को घुमाता है, क्वाइल फॉस्फर ब्रॉन्ज के तार से लटका होता है जो इसके घूमने का अपोज करता है, वो एक रीस्टोरिंग टॉर्क जनरेट करता है, रीस्टोरिंग टॉर्क का वैल्यू सी थीटा होता है, जैसे जैसे क्वाइल रोटेट होता जाता है वैसे वैसे टॉर्क का वैल्यू हमारा बढ़ता चला जाता है, जिस समय रीस्टोरिंग टॉर्क मैग्नेटिक टॉर्क के बराबर हो जाए क्वाइल का घूमना बंद हो जाता है, और क्वाइल के रोटेशन को नापने के लिए हम लोग एक पॉइंटर लगा देते हैं जो स्केल पे घूमता है, जहां से हम पता कर लेते हैं कि कितना एंगल से हमारा पॉइंटर जो है वो घूमा है। ये हमारा गैल्वेनोमीटर का हो गया डिस्क्रिप्शन। अब यूज कि इससे फायदा क्या हुआ इतना सारा चीज जानने से, तो इतना सारा चीज जानने से फायदा ये हुआ कि जब हमारा गैल्वेनोमीटर का क्वाइल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा तो दोनों टॉर्क आपस में सेम है, तो आप लिख सकते हो N इंटू आई इंटू ए इंटू बी इज इक्वल टू सी थीटा, तो I इज इक्वल टू सी बटा एन ए बी इंटू थीटा, इसको बना दो एक कोई कांस्टेंट K, तो I विल बिकम इक्वल टू K थीटा, यानी K का वैल्यू हम लोग पहले से निकाल के रख लेंगे, C बटा एन ए बी, सी मतलब तार का प्रॉपर्टी टॉर्सनल कांस्टेंट, A मतलब क्वाइल का एरिया, N मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, B मतलब मैग्नेटिक फील्ड का ताकत, तो इन सब को मिला के बन गया एक कांस्टेंट K, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू हम लोग निकाल के रख लेंगे। सपोज करो न्यूमेरिकल वैल्यू आ गया 50, और अब एक डिग्री से घूमा तो I इज इक्वल टू 50 गुना एक, दो डिग्री से घूमा आई इज इक्वल टू 50 गुना दो, पांच डिग्री घूमा आई इज इक्वल टू 50 गुना पांच, यानी आपको एंगल मिलता जाएगा और आप करंट का वैल्यू धराधर निकालते चले जाइएगा कि कितना करंट उसमें से होकर के फ्लो कर रहा है, आई इज इक्वल टू के थीटा, ये इसका हो गया फॉर्मूला। आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा है इसलिए नापना आसान है, जितना ज्यादा एंगल से घूमेगा उतना हमारा करंट ज्यादा होगा, एंगल डबल हो गया इसका मतलब करंट डबल हो गया, एंगल आधा हो गया इसका मतलब करंट आधा हो गया, कंक्लूजन निकालना हमारे लिए बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, और इसका फॉर्मूला है आई बराबर के थीटा, जहां के को हम लोग गैल्वेनोमीटर का कांस्टेंट कहते हैं, के को हम लोग बोलते हैं गैल्वेनोमीटर का कांस्टेंट। ये हो गया हमारे गैल्वेनोमीटर का वर्किंग, कि गैल्वेनोमीटर इस प्रकार से हमारा काम करता है। और इसमें हम लोग एक चीज और डिफाइन करते हैं, थीटा बटा आई, थीटा अब बटा आई उल्टा कर दो, थीटा बटा आई यानी आई को इधर ले आओ और सी को इधर ले जाओ, थीटा बटा आई तो ये हो गया एन गुना ए बी बटा सी, इसको हम लोग एक नाम देते हैं, इसको कहते हैं एस आई, एस टर्म है सेंसिटिविटी के लिए, सेंसिटिविटी का मतलब है संवेदनशीलता, संवेदनशीलता का मतलब कि हमारा गैल्वेनोमीटर कितना एक्टिव है। थीटा बटा आई को लैंग्वेज में अगर आप चेंज कीजिएगा, लैंग्वेज में अगर आप बदलिएगा तो ये हुआ डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, तो करंट कम और एंगल ज्यादा तो सेंसिटिविटी ज्यादा, यानी छोटा भी करंट हो लेकिन पॉइंटर खूब भागे, करंट हो छोटा और पॉइंटर भागे पूरा, तो हम कहेंगे कि अरे ये गैल्वेनोमीटर तो छोटा करंट को भी पहचान लिया, और करंट हो खूब ज्यादा और पॉइंटर भागवे नहीं करे तो कहेंगे बेकार गैल्वेनोमीटर, ये तो काम ही नहीं करता है। करंट छोटा हो और उसका पॉइंटर एकदम खट से भाग जाए तो कहिएगा अरे वाह ये तो क्या है, इतना छोटा करंट में भी ये खटाखट भाग रहा है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं सेंसिटिविटी।
तो सेंसिटिविटी होता है थीटा बटा आई, और इसका वैल्यू है एन इंटू ए बी बटा सी। एन मतलब नंबर ऑफ टर्न, ए मतलब एरिया, बी मतलब स्ट्रेंथ, और सी मतलब टॉर्सनल कॉन्स्टेंट। तो एन को बढ़ाओ, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओ, सेंसिटिविटी बढ़ जाएगा। जितना बार तार कॉइल में जितना लपेटन रहेगा उतना ज्यादा सेंसिटिव होगा, यानी उतना तेज भागेगा। कॉइल का एरिया बड़ा अगर लेंगे तो वो उतना ज्यादा सेंसिटिव होगा। मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रांग करेंगे तो ज्यादा सेंसिटिव होगा। और लटकने वाले तार को कमजोर करेंगे, अगर ये मजबूत तार होगा तो आसानी से घूमने नहीं देगा, तो इसका टॉर्सनल कांस्टेंट कम करेंगे। लटकाने वाले तार का सी कम करेंगे, यानी ये कमजोर तार का बनाएंगे तो वो तेजी से घूमेगा। मजबूत है अगर विरोध करने वाला, विरोधी मजबूत है ताकतवर है तो घूमने नहीं देगा। अब विरोधी अगर हमारा कमजोर है तो आसानी से हमको घूमने देगा। तो सी को हम कम करेंगे तो सेंसिटिविटी हमारा क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये हमारा गैल्वेनोमीटर का टोटल हो गया कहानी, कि ये वर्किंग ये करेगा। और हम लोग इसका एक जो प्रॉपर्टी है, चूंकि इसका काम है कि करंट को खोजना, तो हम चाहेंगे कि ये ऐसे काम करे कि जहां करंट हो थोड़ा सा भी वहां इसका पॉइंटर भागे खट से, तेजी से। तो हम चाहेंगे कि हमारा गैल्वेनोमीटर ऐसा बने, और ऐसा बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाएंगे, एरिया को बढ़ाएंगे, फील्ड को बढ़ाएंगे, और लटकने वाले तार को कमजोर करेंगे। लेकिन अब इतना भी कमजोर नहीं करेंगे कि टूट ही जाए। अब टूट जाएगा तो फिर तो गैल्वेनोमीटर बेकार हो गया, तो वो लटकेगा कैसे, लटकाना भी जरूरी है हमको, तो वो ऐसा होना चाहिए। इसलिए एक विशेष मटेरियल को सिलेक्ट किया गया, नाम उसका है फॉस्फर ब्रॉन्ज। कि फॉस्फर ब्रॉन्ज मटेरियल का हम लोग तार लेते हैं, और उस तार की मदद से हम लोग इसके क्वाइल को ये करते हैं। ये तो हो गई एक बात। अब करंट नाप सकता है तो स्वाभाविक है वोल्टेज भी नाप सकता है, क्योंकि ओम कहता है करंट गुना रेजिस्टेंस बराबर वोल्टेज। तो आई में आर से गुना कर दो, वोल्टेज आ गया। यानी गैल्वेनोमीटर से छोटा वोल्टेज भी नाप सकते हैं, गैल्वेनोमीटर से हम लोग छोटा करंट भी नाप सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं। करंट आ गया तो वोल्टेज निकलने में तो देर नहीं है, हमको सिर्फ क्या करना है, आर से उसमें गुना कर देना। जैसे यही दोनों साइड आर से गुना कर दें, आर आर, तो आई आर हो गया वोल्टेज, भी बराबर एक दूसरा कांस्टेंट आ जाएगा इंटू थीटा हो जाएगा। ठीक है, सेंसिटिविटी में आई इंटू आर कर दें तो ये करंट सेंसिटिविटी ना बता के क्या बताने लगेगा, वोल्टेज सेंसिटिविटी बताने लगेगा। यानी करंट आ गया तो वोल्टेज अपने आप आ गया, करंट निकल गया तो आप आर निकालना है, आर से गुना कर दो, अपने आप जो है उसका वोल्टेज जो है वो मालूम हो जाएगा।